रेवाड़ी ब्रेकिंग। देर रात रेवाड़ी शहर में हुई गैंगवार, दोनों तरफ से चली गोलियां और चाकू। चार लोगों को लगी गोलियां, एक को लगे चाकू। दो घायल ट्रामा सेंटर में भर्ती, दो निजी अस्पताल में भर्ती, एक रोहतक पीजीआई रेफर। दर्जन भर राउंड हुई फायरिंग, नहीं आया अभी तक कोई आधिकारिक बयान। रेवाड़ी के धारवाड़ चुंगी स्थित सर्कुलर रोड की घटना। ये कल रात को गोलीबारी हुई है रेवाड़ी के अंदर, तो हमारे पास रात को इमरजेंसी में यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में तीन मरीज़ आए थे, जिनमें से दो को गोली लगी थी और एक के तो गोली आर पार हो गई थी पेट से, उसको तो हमने रेफ़र कर दिया हायर सेंटर। और हमारे पास अभी यहाँ पे दो मरीज़ भर्ती हैं, जिसमें से एक लड़का है 20 साल का, जिसके पैर में गोली फंसी पड़ी है और हड्डी टूट गई है। दूसरा एक बड़ा आदमी है, उसके हाथ में पूरा फ्रैक्चर हो चुका है, गोली आर पार हो चुकी है। वो दोनों की कंडीशन अभी स्टेबल है, इलाज यहाँ पे चालू हुआ है और अभी उनको ऑपरेशन के लिए लिया जाएगा।